बोलो भारत माता की। सारे लोग वापिस आइए, जरा सारे लोग वापिस आइए, रथ के साथ आइए। अरे लोग रथ के पास आए, साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज मैं अजमेर वाला बहुत बधाई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे खर्च करो ना भाई, ये कौन है, इसको बंद कराओ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्मस्थली में पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम कर की शुरुआत करता हूं। मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। बताओ भाइयों और बहनों, कांग्रेस के शासन में उदयपुर में जो हुआ, पूरे राजस्थान में जो दंगे हुए, इसके बाद अजमेर सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? इतना पेपर के बाद युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सकता है क्या? माताओं बहनों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 के बाद मातें बहने सुरक्षित रह सकती है क्या? सेक्रेटरिएट में से किलो में सोना और 2.5 करोड़ कैश मिलने के बाद भ्रष्टाचार यहाँ समाप्त हो सकता है क्या? अगर ये सारी चीजें ना है तो गहलोत सरकार को लाना चाहिए क्या? तो मुझे बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बनाओगे, पक्का बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विधायक बनाओगे? तो मेरे साथ जो हाथ उठाइए, उठाइए हाथ विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का, पूरे अजमेर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।